हाय गाइस, यू आर वेलकम। आई एम महेश यादव। गाइस, आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। इंग्लिश को लेकर स्टूडेंट्स खासे परेशान होते हैं कि इंग्लिश में कितना रटे, क्या क्या पढ़े। और आप कितना भी रट लें, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि वहां पर जाकर सिचुएशन ऐसी बनती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे घूम कर आते हैं कि आपको वहां लिखना ही पड़ता है, यानी खुद से इंग्लिश को लिखना पड़ता है। एक्चुअली इसके पीछे उनकी स्ट्रेटेजी होती है, वो आपसे इंग्लिश लिखवाना चाहते हैं और लिखवा कर रहेंगे, ध्यान रखना। लेकिन अगर आप भी एक स्ट्रेटेजी बनाकर चलते हो तो फिर आप एग्जाम को बेहतर कर सकते हो। स्ट्रेटेजी ये है कि टेंस 12 होते हैं, लेकिन एग्जाम में सभी टेंस उतना काम नहीं करते जितना कि एक दो टेंस काम करते हैं। अगर आपको वो एक दो टेंस पता चल जाए और आप घर से एक ऐसी मानसिकता लेकर जाए, ध्यान रखना, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि आप अपने माइंड में कैसा सॉफ्टवेयर लेकर जाए एग्जाम में कि आपको यही टेंस काम में लेने हैं, यानी एक खास प्रकार के पैटर्न में ही, एक खास टेंस के पैटर्न में ही सेंटेंस लिखने हैं, तो आप वहां बेहतर करके आ सकते हो। आप करते क्या हो कि पास्ट चल रहा है, उसमें प्रेजेंट आ गया, प्रेजेंट में पास्ट आ गया, मतलब आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ही बेतरतीब है, उल्टा पुल्टा है। एग्जामिनर उसको जब एक झलक में देखता है, पढ़ने की तो बात छोड़ो, उसका मूड खराब हो जाता है कि भैया तुम प्रेजेंट में चल रहे हो, पास्ट में चल रहे हो, कर क्या रहे हो। तो इस वीडियो में मैं आपको एक खास स्ट्रेटेजी बताऊंगा, खास टेंस बताऊंगा कि उसका यूज करके, उस पैटर्न का यूज करके जब भी आपको इंग्लिश लिखनी पड़े तो वहां पर आप एक सही करेक्ट सेंटेंस लिख के आ सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक। सबसे पहले हम किसी भी इंग्लिश के पेपर के पैटर्न की बात करें। देखिए, कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, चाहे 10th क्लास हो, 12th क्लास हो, इंग्लिश के पेपर का पैटर्न लगभग लगभग यही होता है। वो चार सेक्शन में, चार पार्ट में डिवाइड होता है। नंबर वन होता है रीडिंग पार्ट। इसमें अनसीन पैसेज दिए जाते हैं, उनमें से क्वेश्चन करता है, आपको आंसर निकालने होते हैं, यानी आपको कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसको आप रट के भी नहीं जा सकते हो, कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा लिखना पड़ेगा, ये उसी सिचुएशन पर निर्भर करता है। उसी तरह से राइटिंग पार्ट आता है, तो इसमें जैसे लेटर एप्लीकेशन होते हैं, पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, स्टोरी राइटिंग होती है किसी किसी बोर्ड में, आर्टिकल स्पीच होते हैं, रिपोर्ट राइटिंग होती है, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग चीजें होती है, पर लगभग लगभग आपका जो राइटिंग सेक्शन, जिसे हम कंपोजिशन पार्ट भी कहते हैं, यही चीजें होती है, वहां पर आपको लिखना पड़ता है। ध्यान रखना, आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, सिचुएशन जैसा क्वेश्चन आया वैसा ही आपको लिखना पड़ेगा, और सभी चीजों को आप रट के नहीं जा सकते हो। इसके बाद हमारा ग्रामर पार्ट आता है। ग्रामर पार्ट में मैं इसको एडजेक्टिव मैथ्स कहता हूं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, सभी टॉपिक्स जैसे नरेशन है, मॉडल्स है, पैसिव वॉइस है, इन पर आपकी कमांड अच्छी है, जो भी आपके सिलेबस में है, अगर आपका सही है तो सही और गलत है तो गलत, इसमें हम, इसमें ज्यादा राइटिंग नहीं होता, ठीक है, इसमें आपकी प्रैक्टिस काम करती है। इसके बाद आता है टेक्स्ट बुक, यानी कि आपके पाठ्यक्रम में जो बुक्स दी गई हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन करेगा और आपको वहां पे आंसर निकालने पड़ेंगे, तो यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इस पार्ट में लिखना है, इस पार्ट में लिखना है, इस पार्ट में लिखना है। अब मैं एक एक पार्ट वाइज आपको बताऊंगा कि किस पार्ट में कौन सा टेंस ज्यादा काम में आता है, कौन सा नहीं, सिर्फ एक दो टेंस ही है पूरे पेपर में। लगभग लगभग मैं आपको सही बताऊं तो 70% जो आप राइट करते हो उसमें वो दो ही टेंस चलते हैं, उनमें से भी एक टेंस सबसे ज्यादा चलता है। तो चलिए उन पर अब आते हैं और कुछ एग्जांपल के साथ इस बात को देखते हैं। अब मैं आपका वो सस्पेंस दूर कर रहा हूं कि इंग्लिश पेपर में सबसे ज्यादा कौन सा टेंस काम में आता है, उसके बाद कम, उससे कम कौन सा टेंस काम में आता है। इस बात को, इस फॉर्मूला को बताते हुए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात को सिर्फ सुनना नहीं, पेशेंस के साथ सुनना तो है, पर ध्यान रखना पेपर तक दिमाग में बिठा के रखना है, क्योंकि मैं एक टीचर हूं, मुझे पता है आप क्या गलतियां करके आते हो। यानी हम पूरा पेपर इंग्लिश का ऐसे ही दे देते, वहां पर अगर हम टेंस नाम के सॉफ्टवेयर को घर से बिठा के ले जाए कि मुझे पेपर में किस टेंस में लिखना है सेंटेंस, तो ध्यान रखना बहुत सारी मिस्टेक से बच सकते हो और आप इंग्लिश के पेपर को चुटकियों में कर दोगे बिना अधिक गलती किए हुए। ध्यान रखना इंग्लिश है, गलतियां तो होंगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, पर कम से कम आप टेंस की उस गलती से बचोगे जो टीचर की नजर में सबसे पहले आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक आपका ये कॉलम दिख रहा है, एक ये कॉलम दिख रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा ये कॉलम काम में आता है। यानी अगर हम शुरू करें, यहां पे अनसीन पैसेज लिखा हुआ है और यहां पे पैराग्राफ, तो पैराग्राफ मतलब लेटर भी आ गया इसमें, ये कंपोजिशन मैटर है, पर ज्यादातर पैराग्राफ की बात करूंगा मैं, लेटर है, रिपोर्ट है, आर्टिकल स्पीच और तीसरा क्वेश्चन आंसर। तो आपका जो अनसीन पैसेज है वो ज्यादातर पास्ट टेंस में आता है। अगर वो पास्ट टेंस में आया तो आपका जो आंसर है वो भी पास्ट टेंस में जाएगा, ठीक है। अगर पास्ट का नहीं आया तो फिर वो प्रेजेंट का आता है, फिर ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा। आपका जो पैराग्राफ है वो ज्यादातर पास्ट का आता है, जैसे ए हाउस ऑन फायर, एन एक्सीडेंट, ठीक है, ए पिकनिक,
एनुअल फंक्शन, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और जैसे हाउ आई मेड टी, तो ऐसी कोई इंसिडेंट जो पास्ट में हुई ज्यादातर, एक और ज्यादातर क्या, ज्यादातर ये अथवा में आता है, एक प्रेजेंट का आएगा, एक पास्ट का आएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर 100% तो नहीं कह सकते, पर लगभग लगभग 90% क्वेश्चंस पास्ट के आते हैं। जी हाँ, 80-90-70% जो क्वेश्चंस है, क्योंकि आपकी जो बुक्स दी गई है उनमें ज्यादातर जो लेसन है वो पास्ट में होते हैं, स्टोरी टाइप के होते हैं, तो क्वेश्चन भी पास्ट में करेगा, तो आपको पास्ट टेंस से लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं पूरे पेपर का आकलन करूं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लगभग आप 70% पेपर में जो राइट करते हो, जो लिखते हो ना, वो पास्ट टेंस को लिखते हो। अब पास्ट टेंस को मैंने यहां दो भागों में डिवाइड किया, इसकी बात मैं बाद में करूंगा, पहले इससे निपट ले। तो इसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया। उस 70% में या तो आप ऐसे इस पैटर्न पे लिखोगे या फिर आप इस पैटर्न पे लिखोगे, ज्यादातर आप इस पे लिखते हो, इस पे दो चार सेंटेंस निकलेंगे, पर आपके लगभग लगभग जैसे माना कि पास्ट आप कोई आप पैराग्राफ पास्ट में लिख रहे हो, तो लगभग लगभग उसमें आप माना उसमें अपने 15 सेंटेंस लिखे, तो 15 में से 10 से 11 सेंटेंस 12 सेंटेंस आप इस पैटर्न में लिखते हो। अब आप दिमाग में इस बात को बिठा के घर से लेके जाओगे कि भाई जैसे आपको पास्ट नजर आया, देन मैं जोर दे रहा हूं टेंस पे, आपने देखा पास्ट का, तो मुझे पास्ट में ही चलना है। अब करते क्या हो, प्रेजेंट पास्ट बस वहीं पे एग्जामिनर देखा पास्ट है, इज कहां से आ गया, तुरंत गलत। गलत तो क्या, मतलब उसकी मेंटलिटी है, उसकी जो आपके प्रति नेगेटिव हो जाएगा, तो आपको पास्ट में ही रहना है। ध्यान रखना, जब भी आप कोई क्वेश्चन रीड करें देखें, तो सबसे पहले टेंस का पता लगाएं, आपका टेंस क्लियर हो गया, फिर उस टेंस के पैटर्न पे आपको चलना है। अब पैटर्न क्या बनता है, जैसे क्वेश्चन में आपको नजर आया डिड, डिड का मतलब शुद्धतम पास्ट, तो आपका आंसर पास्ट में ही चले, और वो किस में चलेगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये पैटर्न बनता है। ठीक है, जैसे आई वेंट, ये राइट है, ठीक है, सी कुक्ड मतलब पास्ट। आप पास्ट को देखने के आदि हो जाओ, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो जो भी सेंटेंस बनेंगे वो आपके इस तरह से बनेंगे। डिड जब हटेगा तो सब डिड जब हटेगा ना क्वेश्चन में से, आप डिड को देखते हो, पास्ट देखते हो, तो सब्जेक्ट साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इस पैटर्न से आपको चलना है। कुछ सेंटेंस ऐसे निकलेंगे जिनमें वर्ब नहीं होगी। अच्छा, ये पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट या फिर देयर या फिर इट, उसके बाद वाज वर्ब। ये पैटर्न कब काम में करता है, जब सेंटेंस में वर्ब ना हो, क्रिया ना हो। ध्यान रखना, ऐसे जैसे कोई सिचुएशन बताई, वह बहुत दुखी था, वहां बहुत भीड़ थी, ठीक है, यह बहुत गर्म था, ठंडा था, इस तरह की बातें आए, तो या तो सब्जेक्ट या फिर देयर या फिर इट से सेंटेंस शुरू होगा, उसके बाद वाज वर्ब मैन वर्ब के रूप में आएंगे, उस सेंटेंस में वर्ब नहीं होगी। ऐसे भी कुछ सेंटेंस निकलेंगे, वो आपके कंपोजिशन पैराग्राफ में भी निकलेंगे और अनसीन पैसेज में भी निकलेंगे, कि वहां वह दुखी, वहां पर भीड़ क्यों थी, है ना, तो देयर वाज ए लॉट ऑफ क्राउड बिकॉज, इस तरह से कुछ बनेगा। उसके बाद देखिए, मैं की छटनी कर दूं, अनसीन पैसेज ज्यादातर इसमें से नहीं आया, तो फिर किसमें आएगा, प्रेजेंट में आएगा। अगर वो प्रेजेंट में आएगा तो फिर आपको प्रेजेंट टेंस में रहना है। आपका पैराग्राफ एक पास्ट का आएगा, एक प्रेजेंट का आएगा, तो आप पास्ट करो चाहे प्रेजेंट करो, तो प्रेजेंट जब करोगे तो सेम इज इट, ये फॉर्मूला काम में आपको लेना है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर तो मैंने आपको बता दिया कि 80-90% पास्ट में ही आते हैं, तो आपको इसी टेंस में रहना है। तो मैं अगर इसको नंबर दूं, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसको हम 50% तक काम में लेते हैं एग्जाम में। इसका मैंने कितने दिया था, 70%। अब इस पे आ जाएं, तो देखिए आपका जो अनसीन पैसेज है अगर प्रेजेंट में आया, तो क्वेश्चन भी किस में आएगा, प्रेजेंट में आएगा, और जब प्रेजेंट में क्वेश्चन आएगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब आपको क्या मिलेंगे क्वेश्चन में, डू और डज। ठीक है, जैसे माना कि आपका पैराग्राफ आया, ये वाला पैराग्राफ की बात करूं मैं, पैराग्राफ आया जैसे कि द बुक्स, द इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, ऐसी कोई समसामयिक चीज है, टेररिज्म आ गया आपका, आतंकवाद आ गया, ठीक है, और जैसे करप्शन आ गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आ गया, क्लीन इंडिया मिशन आ गया, तो ये ऐसी चीजें हैं जो वर्तमान में भी हैं, ठीक है, द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, तो आप समझ जाए तुरंत, द एडवांटेज ऑफ मॉर्निंग वॉक, तो ये वो चीजें हैं जो वर्तमान में है और इनका महत्व और यूज आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इस टेंस का यूज करते हो, किसका, प्रेजेंट का। अब इसको मैंने डिवाइड किया दो भागों में, अगर वर्ब वाला है, क्रिया वाला है, तो आपको ये फॉर्मूला काम लेना है, यानी सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम बोलते हैं, इसका था सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक ही बात है। तो इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें एस और एस लगा देते हैं। अच्छा, पहचान, सॉरी, ये डू डज क्यों दिया मैंने, क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा, तो जैसे माना अनसीन पैसेज आया और प्रेजेंट का है, तो सारे क्वेश्चन किससे बनेंगे, डू डज से। बुक्स में से भी अगर प्रेजेंट में क्वेश्चन करेगा तो क्वेश्चन किससे बनेंगे, डू डज से।
तो डू डज वाला आया तो आप प्रेजेंट है, तो फिर आपको क्या साधे रखना है, प्रेजेंट में ही रहना है। प्रेजेंट में जब आप रहोगे तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें एस और यस लगा दिया। कुछ सेंटेंस आपके जिस तरह से इसमें बिना क्रिया के निकले थे उस तरह से बिना क्रिया के सेंटेंस यहां भी आपके निकलते हैं, तो वहां पर आप या तो सब्जेक्ट या देयर या फिर इट का यूज करते हो, उस सिचुएशन बताएगी। उसके बाद इज एम आर को मेन वर्ब के रूप में आप लेते हो, जैसे मैं बहुत खुश हूं, जैसे कंप्यूटर बहुत उपयोगी है, कंप्यूटर एक उपयोगी मशीन है, तो द कंप्यूटर इज वेरी यूजफुल मशीन, इस वाक्य में वर्ब नहीं है, हमने यहाँ पे इज को मेन वर्ब के रूप में काम में लिया। तो इस तरह के सेंटेंस भी निकलते हैं। तो ध्यान रखना कि आप सबसे ज्यादा देखिए, वीडियो का मेन मकसद क्या है, आपको पढ़ाना नहीं है, आपके दिमाग में इस बात को बिठाना है कि जब भी आप कोई भी पैराग्राफ या रिपोर्ट शुरू करें, जैसे रिपोर्ट की बात करूं तो रिपोर्ट शुद्धतम पास्ट में ही लिखी जाती है, रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में ही आएगी, ध्यान रखना। तो उसको जैसे आपने देखा कि टॉपिक क्या है, मैं किस पे लिख रहा हूं, उसका टेंस देखा, फिर अपने हाथ को और अपने दिमाग को साध के रखना है, मुझे इसी टेंस के साथ चलते रहना है। आप क्या करते हो, प्रैक्टिस की कमी होती है, आप टेंस चेंज करते रहते हो, और टेंस का चेंज करना ये इंग्लिश की सबसे बड़ी गलती है। ये एग्जामिनर को एक झलक में जब वो देखता है ना कॉपी को, तब भी नजर आ जाती है, और वहीं पे वो नेगेटिव हो जाता है, आपको मार्क्स तो देगा पर काट के देगा, ध्यान रखना। तो आपको टेंस को साध के रखना है, इन टेंस पे कहीं से आप और प्रैक्टिस करना, इन पे फोकस करना। अब मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं पूरा मैंने नहीं बताया, जैसे मोनू वाज ए लेजी पर्सन, ही स्पेंट हिज टाइम प्लेइंग कार्ड्स। आपने जैसे इसको देखा तो आप जनरली अब तक जनरली पढ़ते थे, आज के बाद कैसे पढ़ोगे, ओ वाज, इसका मतलब पास्ट वाला आ गया, सर ने बताया था पास्ट वाला आ गया, तो मुझे पास्ट टेंस का जो सॉफ्टवेयर गियर है उसको थोड़ा टाइट कर लेना है और उसी में रहना है, ताकि मैं कुछ गलतियां करने से बच जाऊं। इस वीडियो का फोकस यही है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। जैसे अब क्वेश्चन आया, हाउ मोनू वाज ए लेजी पर्सन, ही स्पेंट हिज टाइम प्लेइंग कार्ड्स। मोनू एक आलसी व्यक्ति था, वह अपना समय ताश खेलते हुए बिताता था। तो हाउ डिड मोनू स्पेंड हिज टाइम, मोनू अपना समय कैसे बिताता था। तो सबसे पहले इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो मोनू सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, जैसे आपको डेट देखे तो पास्ट आ गया, तो उत्तर पास्ट में देना है, तो डिड हटता है तो सेकंड फॉर्म हो जाती है, ये हमेशा पक्का नियम है। मोनू स्पेंट, ध्यान रखना, जैसे आप डिड हटाओगे और डिड के तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे, तो आप क्या करोगे, सेकंड फॉर्म को कर दोगे, मोनू स्पेंट हिज टाइम प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, ये आपका राइट हो गया, यानी आपने टेंस को सही हैंडल कर लिया, यहाँ पास्ट था, यहाँ भी आपने पास्ट किया पास्ट, तो अब आपका आंसर सही है। व्हाट टाइप ऑफ पर्सन वाज मोनू, मोनू किस तरह का व्यक्ति था, तो मोनू वाज ए लेजी पर्सन, लेजी पर्सन, ठीक है, तो ये पास्ट में था, आपने पास्ट में दिया। अब मान लो यही ऐसे आता, मोनू इज ही स्पेंड्स, ठीक है, तो आप तुरंत क्या गैस करोगे, ये प्रेजेंट आया, तो फिर आपको आंसर किस में देना है, प्रेजेंट में देना है। तो यही क्वेश्चन में क्या आता, हाउ डज मोनू स्पेंड हिज टाइम, ठीक है, और व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज मोनू, तो फिर यहां पे क्या हो गया, इज, यहां पे क्या हो गया, स्पेंड्स, ठीक है। इस तरह से आपको टेंस का विशेष ध्यान रखना है। अब इसके बाद हमारा जो कंपोजिशन है उसमें आर्टिकल, स्पीच, रिपोर्ट, पैराग्राफ अलग अलग नाम से है, मैंने सब पे वीडियो बना रखे हैं और अभी बनाने वाला हूँ वीडियो, एग्जाम आपके आने वाले, तो सब पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, सबके एक फॉर्मेट होते हैं, फॉर्मेट तो हो गया, ठीक है, लेकिन एक टेंस उसमें आप लिखोगे क्या, मेन कंटेंट की बात है, कंटेंट भी हो लेकिन टेंस भी तो कोई चीज़ होता है ना, और मैंने बताया सबसे पहले वही गलती आपकी पकड़ी जाती है, जैसे राइट ए पैराग्राफ अथवा रिपोर्ट इन 100 वर्ड्स ऑन ए बैंक रॉबरी, तो आप बैंक रॉबरी को देख करके खुश हो जाते हो कि ये तो मुझे आता है, मैं फटाफट से लिख रहा हूँ, लेकिन नहीं, उससे पहले टेंस डिसाइड करो, ये बैंक रॉबरी, एक बैंक में डकैती, इसका मतलब है कि डकैती हो चुकी, पास्ट में है, तो ये एक बीती हुई घटना है, तो आपको ध्यान रखना कि पास्ट में ही चलना है, और पास्ट में आपके दो ही चीज आएंगी, या तो पास्ट इनडेफिनेट टेंस का सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, या फिर कोई सिंपल सेंटेंस आ गया, ठीक है, तो उसमें आप वाज वर्ब का यूज करोगे बिना वर्ब का, या फिर कुछ पैसिव के सेंटेंस हैं, पैसिव के सेंटेंस आपको लगाने पड़ सकते हैं पास्ट की पैसिव वॉइस के, वो तो रिपोर्ट में आप स्पेशल पढ़ोगे तो उसमें काफी बारीकियां हैं, बाकी जनरली आपको पास्ट टेंस में रहना है, ध्यान रखना। अब जैसे नेक्स्ट है हमारा, और टीवी फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए टीवी, ठीक है, इसके लाभ है, इसके दुरुपयोग है, कुछ इस तरह से पूछ सकता है, तो ये एक प्रेजेंट की चीज है, मतलब बच्चे टीवी देखते हैं, तो देखे नहीं देखे, तो आपको इसमें टीवी के यूजेस बताने हैं या उसके डिसएडवांटेज बताने हैं, तो ये पूरा प्रेजेंट में चलेगा, तो कहीं ना कहीं आपको दिमाग में डाल लेना है कि भाई मुझे प्रेजेंट में लिखना है या पास्ट में लिखना है। लेटर वाला क्वेश्चन मैंने लिया दो, ठीक है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड,
टेलिंग हाउ यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे. आप ऐसे मत करना कि इसमें आपने इतने का यू आर फला ऐसे, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिया है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम, उसे बताते हुए हाउ यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे, तुमने अपना जन्मदिन कैसे मनाया. तो आपने क्या गैस किया, आपने जन्मदिन कैसे मनाया था, सेलिब्रेटेड आ रहा है, इसका मतलब आप जन्मदिन मना चुके, पास्ट में हो चुका. तो आप लेटर की जो मेन बॉडी है, जो मेन कंटेंट है अंदर का, शुरू में आप थोड़ा प्रेजेंट में लिखोगे कि मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक हो, इस तरह की बात है, जो फॉर्मल बात है, उनके बाद जो आप लिखोगे वो पूरा पूरा कंटेंट किस में आएगा, पास्ट में ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ठीक है, इस तरह की बात है, पास्ट में चलेगा. अथवा राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को एक पत्र लिखो टेलिंग हिम, उसे बताते हुए अबाउट योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल के बारे में, तुम्हारे लाइब्रेरी के बारे में, फैमिली के बारे में, विलेज के बारे में, मतलब सब एक में नहीं आएंगे, पर मतलब इच्छा ये आया, ये आया, कुछ भी आया. तो ये सारी चीजें क्या है, प्रेजेंट में, आपका स्कूल अब भी है, यानी आप एक नए स्कूल में गए हो तो स्कूल के बारे में बता रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, वहां ये है, वहां ये है, वहां ये है, ठीक है. और जनरली उसमें पता है क्या आएगा, जो दूसरा फॉर्मूला बताया था ना, इज एम आर, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस, जैसे वहां पर पांच कमरे हैं, देयर आर फाइव रूम्स, ठीक है, वहां पर 15 टीचर हैं, देयर आर 15 टीचर्स, तो इज एम आर मेन वर्ब के रूप में, क्यों, उस भाग में वर्ब नहीं है. तो फैमिली आपकी अभी भी है प्रेजेंट में, विलेज अभी भी है, तो ये किसका हो गया, प्रेजेंट का. तो अब लेटर को आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन को पढ़ लिया, पर दिमाग में क्या दे दिया, अच्छा प्रेजेंट में चलेगा, तो प्रेजेंट में फोकस करके रखना है, अपने हाथों को बांध के रखना है, माइंड को भी बांध के रखना है, तब आपके मार्क्स अच्छे आएंगे. और लास्ट में क्वेश्चन आंसर पे तो कुछ ज्यादा बचा ही नहीं, क्योंकि पहले मैंने अनसीन पैसेज में आपको बता दिया था, फिर भी आप देख लीजिए. तो जैसे आपने क्वेश्चन देखा, तो आप क्या है, क्वेश्चन का आंसर क्या है, आप आंसर पे पूरी ताकत लगाते हो, उससे पहले थोड़ी ताकत टेंस पे भी लगा लो. डेट देखा, पास्ट है, आंसर किस में देना पड़ेगा, पास्ट में. नकुल डिड हटेगा तो सेकंड फॉर्म होगी वेंट, ठीक है, गो टू, सॉरी नकुल, नकुल वेंट टू फॉरेस्ट, नकुल जंगल में गया. अब जो भी आंसर आपको दे दीजिए, तो इसको देख करके अब किसी बच्चे का यहां पर मान लो इज है, ठीक है, या डज है, या डू है, मतलब कहीं भी आप फर्स्ट फॉर्म दिखा रहे हो, इज एम आर दिखा रहे हो, प्रेजेंट को दिखा रहे हो पास्ट वाले आंसर में, तो टीचर का माइंड खराब हो रहा है, यानी आपको अपने हाथों को पास्ट के साथ रखना है. वाई वाज नकुल सैड, नकुल दुखी क्यों था, ये वो आ गया पास्ट का सिंपल सेंटेंस, ठीक है, वाज वर्ब, तो नकुल वाज सैड बिकॉज, क्योंकि, जो भी आपका आंसर है वो आप आंसर देखिए, वो भी किस में आएगा, पास्ट में आएगा. वाई डज नकुल गो टू फॉरेस्ट, नकुल जंगल क्यों जाता है, ठीक है, डज आ गया प्रेजेंट, तो आपका आंसर किस में रहेगा, प्रेजेंट में, नकुल गोज टू फॉरेस्ट, ठीक है. तो ये कुछ बातें थी, जो कुछ बारीकियां थी, जो आपके दिमाग में रखनी है. मैं नहीं कहता कि इन बारीकियों से आप 100% मार्क्स ले आओगे, लेकिन ये जरूरी है, ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी चीज है. ये मिस्टेक्स आप करते हो तो थोड़ा सा माइंड को इन दो टेंस में मजबूत करना है. मैं ये नहीं कहता कि और टेंस काम नहीं आते, और भी टेंस काम आते, पर माइनर सबसे ज्यादा ज्यादा चीजें इन टेंस में से क्वेश्चन बनते हैं, आपके आंसर बनते हैं, आपको लिखना होता है. इनके साथ रहिए, इन पे थोड़ा ज्यादा मेहनत कीजिए. तो ये कुछ बातें थी. अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक बनता है, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए. आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और हाँ, आपके जो कंपोजिशन है, इस सब की अलग अलग सेपरेट वीडियो है, और अभी और भी नए फ्लेवर में, नए तरीके से और अच्छे तरीके से आने वाली है. तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें. ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.